डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम लोग टॉपिक डील कर रहे हैं फिजियोलॉजी में रीनल सिस्टम से, रीनल ब्लड फ्लो। किडनी में ब्लड फ्लो किस वेसल से कैसे कैसे होता है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि किडनी में दो टाइप का नेफ्रॉन बनता है, एक नेफ्रॉन जो कॉर्टिकल में रहता है और एक नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले मेडुलरी पार्ट में चलाता है। तो उसके अनुसार से थोड़ा सा वहां पर चेंजेस मिलता है। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं शुरू से। जैसे किडनी, और ये किडनी का पार्ट हो गया अपर लोअर पार्ट, यहां पर पेल्विस एरिया, यूरेटर, और हम एक छोटा सा पार्ट बना रहे हैं इसमें, यहां पर कैलिसेस, मेजर कैलिसेस, और उसके बाद यहां पर माइनर कैलिसेस एक बना रहे सिर्फ, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट लंबा सा, और यहां पर एक नेफ्रॉन बना रहे हैं हम लोग। यहां पर ये बना रहे हैं हम लोग मेडुलरी वाला, एक मेडुला का जिसका एक लूप ऑफ हेनले थोड़ा बड़ा होता है, ये बोमेस कैप्सूल, और यहां पर और एक नेफ्रॉन बना रहे हैं यहां पर कॉर्टिकल का सिर्फ समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं। इसका मतलब हम समझ में आ चुका है कि यहां पर रीनल पेल्विस, यहां पर पिरामिड कैलिसेस, और यहां पर नेफ्रॉन का एरिया, यहां पर मेडुलरी एरिया, यहां पर कॉर्टिकल एरिया। अब जब देख रहे हम लोग कि ब्लड फ्लो होता किस तरह से है, तो किडनी में जो ब्लड आता है वो आता है सिलियक ट्रंक से। ये जो नीचे में जो आता है सिलियक ट्रंक डिसेंडिंग एरोटा से एक ब्रांच निकलता है जिसका नाम है रीनल आर्टरी। यह है सिलियक ट्रंक, और इससे निकला क्या है, रीनल आर्टरी। चलिए, अब रीनल आर्टरी फिर ये जैसे ही गया है किडनी में, यहां पर दो सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया, सेगमेंटल आर्टरी। अब ये जैसे ही सेगमेंट आ गया, अंदर जाते ही ये पहले क्या हुआ, लोब में कन्वर्ट कर दिया, लोब में। तो इसको बोलेंगे क्या, इंटरलोबर आर्टरी। आगे क्या बढ़ गया, इंटरलोबर आर्टरी। आगे चले जैसे ही गया ये, तो कलेक्टिंग डक्ट से पहले ही ये कन्वर्ट कर गया, कलेक्टिंग डक्ट में जैसे ही जाने से पहले कन्वर्ट कर गया क्या चीज में, आर्कुएट आर्टरी। और कलेक्टिंग डक्ट में जाते ही ये कन्वर्ट कर गया इंटरलोबुलर आर्टरी। और जैसे ही अब गया बोमेंस कैप्सूल के नजदीक, जैसे बोमेंस कैप्सूल में नजदीक गया, वहां पे कन्वर्ट कर गया क्या चीज में, अफरेंट आर्टेरियोल्स में। और जैसे ही गया आगे अंदर में ग्लोमेरुलर कैपिलरी बना। फिर आगे चल के क्या निकल गया वहां से, इफरेंट आर्टेरियोल्स बन गया। लेकिन अब देखने की बात यह है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में इस नेफ्रॉन के चारों तरफ ये ट्यूब्स बना रहता है, उसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी पेरी
ट्यूबुलर कैपिलरी, लेकिन इसमें क्या बनता है, भाषा रेक्टा बनता है, भाषा रेक्टा, भाषा रेक्टा, यही दोनों में अंतर है। यहां पर इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बना, इसमें भाषा रेक्टा बना। अब इसके बाद फिर क्या बनेगा, इसके बाद फिर क्या बनेगा, दोनों दोनों में से कोई भी इंटरलोबुलर वेन, क्या बनेगा अब, इंटरलोबुलर वेन, फिर इंटरलोबुलर वेन फिर क्या बनेगा, आर्कुएट वेन, आर्कुएट वेन, फिर क्या बनेगा, ये इंटरलोबर वेन, इंटरलोबर वेन, फिर क्या बनेगा, ये सेगमेंटल वेन, सेगमेंटल वेन, फिर क्या बनेगा, रिनल वेन, रिनल वेन, और जुड़ जाएगा किससे, इन्फीरियर वेना कावा से जुड़ जाएगा। देखिए यही एक किडनी में ब्लड फ्लो होता है, और ये किडनी में ब्लड फ्लो हुआ जैसा कि एरोमेटिक डायग्राम से आप लिख सकते हो आराम से। सबसे पहले सिलियक ट्रंक, सिलियक ट्रंक में ब्लड आता है नीचे की तरफ, सिलियक ट्रंक के बाद ब्लड आया रीनल आर्टरी में, उससे जो ब्रांच निकला है राइट और लेफ्ट, रीनल आर्टरी, राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी। उसके बाद जैसे ही किडनी में आता है वहां पर चेंज कर जाता है, दो पार्ट में ब्रांच बनता है, एक सेगमेंटल आर्टरी, अपर सेगमेंटल, लोअर सेगमेंटल, आगे चलकर के बन जाता हुआ इंटरलोबर आर्टरी, लोब में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर वह आगे डिवाइड होकर के आर्कुएट आर्टरी बन जाता है। आर्कुएट आर्टरी के बाद फिर जाकर के वह छोटा छोटा जो नेफ्रॉन का जो लोब्यूल्स होता है उसमें इंटरलोबुलर आर्टरी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद नेफ्रॉन में जाने से पहले, नेफ्रॉन में गया तो अब नेफ्रॉन में सबसे पहले अफरेंट आर्टियोस बनता है, अफरेंट आर्टियोस, फिर वह ग्लोमेरुलर कैपिलरी बनाता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ही फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, चूंकि रीनल आर्टरी में 120 mmHg प्रेशर होता है, 120 mm/80 mm, यह सेगमेंटल आर्टरी में भी 120/80 होती है, लेकिन जो इंटरलोबर आर्टरी है इसमें प्रेशर घट जाता है, इसमें प्रेशर 60/40, और फिर आर्कुएट आर्टरी में आते आते प्रेशर और घट जाता है 20/10, इंटरलोबुलर आर्टरी में 20/10 हो जाता है। अपरेंट आर्टरियोस में भी उतना ही होता है, लेकिन ग्लोमेरुलर कैपिलरी में आते आते प्रेशर बढ़ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रीनल आर्टरी के बाद ब्लड प्रेशर धीरे धीरे घटने लगता है, लेकिन ग्लोमेरुलर कैपिलरी में आते ही प्रेशर 60 or 70 mmHg हो जाता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी इसलिए कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी से क्या होती है, फिल्ट्रेशन होता है, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी के बाद फिर इफरेंट आर्टरियोस बनता है। इफरेंट आर्टरियोस, इसके बाद प्रेशर घटने लगता है। इफरेंट आर्टरियोस कॉर्टिकल नेफ्रॉन का भी, एफरेंट आर्टरियोस मिडलरी नेफ्रॉन का भी, सेम ऐसा ही बनता है, यहां तक सेम रहता है। लेकिन अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये कैपिलरी इसके चारों तरफ बाइंड रहता है, इसलिए इसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं, लेकिन यह मिडलरी नेफ्रॉन में लंबा सा वेन जो होता हुआ वेसल्स बनता है, वह सिर्फ वाटर को वाटर काउंटर करंट के लिए, जिसको हम लोग भाषा रेक्टा कहते हैं। अब जो ये ब्लड जो यहां से भाग, इसका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हो या भाषा रेक्टा हो, इसके बाद क्या बनता है, इंटरलोबुलर वेन बनता है। अब इंटरलोबुलर वेन दोनों से बना, अब इंटरलोबुलर वेन फिर आगे चल करके आर्कुएट वेन, बहुत सारे आर्कुएट वेन आकर के जुड़ेंगे, बहुत सारे आर्कुएट वेन आके जुड़ेंगे, फिर आगे चल करके इंटरलोबर वेन,
कई इंटरलोबर वेन आकर के यहाँ जुड़ेंगे और उसके बाद फिर सेगमेंटल वेन आकर के जुड़ जाएगा यहाँ पर और उसके बाद आगे चल करके बन जाएगा ये रिनल वेन। और यह रिनल वेन जो इन्फीरियर वेना कावा जो लोअर से ब्लड को लेकर ऊपर जाती है, राइट और लेफ्ट रिनल वेन दोनों रिनल वेन इन्फीरियर वेना कावा में आकर के जुड़ जाता है और इसी तरह से किडनी में ब्लड फ्लो होता है। और किडनी में जो ब्लड फ्लो हुआ वह ब्लड फ्लो याद रखना है दो चीज़ के लिए हुआ, एक न्यूट्रिशन अगर देने के लिए और दूसरा यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए। दो बात याद रखना है, ब्लड फ्लो किडनी में क्यों कितना गया है, एक मिनट में 1250 ml ब्लड जाता है, एक मिनट में 1250 ml ब्लड आता है, एक किडनी में 625 ml जाता है, दूसरे किडनी में 625 ml जाता है। और वह ब्लड जब जाता है इसमें दो चीज़ के लिए ब्लड जाता है, एक न्यूट्रिशन देने के लिए और दूसरा ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाने यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस को बाहर करने के लिए। और थोड़ा थोड़ा जो वर्क है नेफ्रॉन का, जो नेफ्रॉन कैल्शियम रेगुलेशन, सोडियम रेगुलेशन, पीएच रेगुलेशन, वाटर रेगुलेशन, ये सब का जो फंक्शन करता है, विटामिन डी एक्टिवेशन, वो सब काम करता है। लेकिन ब्लड का ब्लड आया है दो चीज़ के लिए, एक आया था न्यूट्रिशन देने के लिए और दूसरा आता है ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस को निकालने के लिए, उसके बाद यहाँ से ब्लड फिर से अपना बॉडी में चला जाता है। तो ये था मेरा रिनल ब्लड फ्लो, रिनल ब्लड वेसल्स। इसमें किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में देंगे, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।